हेलो गाइज एंड वेलकम टू द न्यू एपिसोड ऑफ एफटी पॉड। आज मैं इस टॉपिक पे ऊपर बात करने वाला हूँ जो टॉपिक मैंने कभी भी शेयर नहीं किया है, क्योंकि जब ये टॉपिक शेयर करते हुए भी मेरी फटती है, लेकिन मुझे लगा कि ये स्टोरी तो आपको मतलब जाननी ही पड़ेगी। सो या प्लीज़ एक रिक्वेस्ट है कि पूरा का पूरा वीडियो देखिए और उसके पहले प्रेस द बेल आइकन एंड स्टार्ट योर नोटिफिकेशंस, बिकॉज हम हर थर्सडे को, हर ट्यूसडे को, हर वीक में दो दो बार, तीन तीन बार वीडियोस डाल रहे हैं और आई होप यू ऑल आर लविंग ऑल द व्लॉग्स एंड पॉडकास्ट्स। थैंक यू सो मच एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। सो स्टोरी स्टार्ट होती है जहाँ पे मैं 10th के प्रीलिम्स एग्ज़ाम्स में था। एक जो नॉर्मल हमारा जो फाइनल एग्ज़ाम रहता है उसके पहले वाले जो प्रीलिम्स एग्ज़ाम रहते हैं, वहाँ पे मैं बहुत एवरेज भी नहीं, मतलब 35% 33% से पास हो रहा था। ऐसा बंदा जिसको ज़्यादा पढ़ाई में ध्यान नहीं था, उसको अभी प्रेशर आ चुका था कि 10th में अच्छे मार्क्स लाने हैं। द बेस्ट पार्ट इज़ कि उसके बाद मैंने अच्छे मार्क्स लाए, 10th में मुझे 68% मिल गए। एंड देन मेरे फादर, जिनके ऊपर ये पूरी स्टोरी है, वो पिक्चर में आते हैं, क्योंकि उन्होंने कभी भी मेरे ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था। क्योंकि जब मैं 10th में था, तब लोग उनको पूछने लगे कि अरे अभी क्या करेगा आपका लड़का, वगैरह वगैरह वगैरह। और फाइनली वो स्टेटस आ जाता है जहाँ पे मेरे फादर थोड़े से कंसर्न होने लगे कि मैं क्या करने वाला हूँ। तो एक दिन मुझे बुलाया गया मेरे गांव को, और गांव में एक सेलिब्रेशन रखा। मुझे, मेरे लिए बहुत सरप्राइज था ये। मैं गांव चला गया, मुझे कॉन्ग्रेचुलेट किया गया एंड मुझे गिफ्ट्स भी दिए गए, मुझे थोड़े से पैसे भी दिए और मुझे फ़ोन भी गिफ्ट किया। और ये सब कुछ किस लिए किया, क्योंकि उनको चाहिए था कि अभी मैं मेरे खानदान का नाम रोशन कर सकूंगा, कि ये बंदा फैमिली का नाम रोशन करेगा, पूरे खानदान का नाम रोशन करेगा और इसको हम डालेंगे इंजीनियरिंग में। सो मैंने आईटी डिप्लोमा में एडमिशन लिया, मेरा सीखना स्टार्ट हो गया। और जैसे ही सीखना स्टार्ट हो गया, पहले ईयर में मैं फिर से फेल हो गया। उसके बाद सेकेंड ईयर मैं पूरा घर में बैठा था। उसके बाद सेकेंड ईयर होने के बाद मैंने फिर से थर्ड ईयर में एटलीस्ट फिर से एंट्री लिया सेकेंड ईयर के लिए। और उसी दौरान मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर बन चुका था कि भाई मतलब क्या करेगा तू, अभी तुझे पता है एग्जैक्टली, इनसाइड आपको पता है कि दिस इज़ नॉट एग्जैक्टली व्हाट यू वांटेड टू डू और दिस इज़ नॉट वेयर यू आर सपोज टू बी, बट यू आर इन दैट अनकंफर्टेबल जोन। एंड उसके ऊपर पूरे खानदान का प्रेशर है, 50 लोग मुझे पूछ रहे हैं हर दिन कैसा चल रहा है उसका पढ़ाई, कैसा चल रहा है, सब कुछ ठीक हो रहा है कि नहीं हो रहा है। माई डैड गॉट ऑल्सो कंसर्न, बिकॉज फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेकर 10th स्टैंडर्ड तक आई थिंक मेरे डैड ने कभी सोचा नहीं था इसके बारे में। जैसे ही 10th में चला गया, मेरे डैड ने बहुत ज़्यादा कंसर्न ले लिया। और अभी जब मेरे फादर साहब जो है वो इतना ज़्यादा कंसर्न है, अभी एक समझिए कि एक टिपिकल मराठा फैमिली में एक फादर का ऑरा होता है, उनका एक ऑरा ऐसा रहता है कि देखो अगर आपके साथ अगर आपका बाप बात कर रहा है तो आप उनके आंखों में आग डाल के भी बात कर नहीं सकते। मैं इतना डरता था उनसे, मतलब वो वाला डर होता है ना जहाँ पे अगर फादर घर में है तो आप बाहर जाते हो और जब वो घर में नहीं है तभी आप आते हो, ताकि यू आर जस्ट ट्राइंग टू अवॉइड द कॉन्वर्सेशन, और इफ द कॉन्वर्सेशन हैपन्स दिस इज जस्ट अबाउट द लाइफ डिसीजंस। द कॉन्वर्सेशन विच यूज टू हैपन विद मी फ्रॉम माई डैड वॉज ऑल अबाउट तू करना क्या चाहता है लाइफ में, अभी सब कुछ ठीक चल रहा है कि नहीं चल रहा है, तुझे क्या लगता है तू क्या करेगा, एंड मार्क्स क्यों नहीं आए, अच्छा क्यों नहीं परफॉर्म कर रहा है, क्या हो रहा है। सो ये सवाल से भी मेरी फट जाती थी। एक तो पहली बात, पता ही नहीं है बाप से बात कैसे करते हैं। और ये सब कुछ के चक्कर में मुझे बार बार ये फील हो रहा था कि मैं नहीं खरे उतर पा रहा हूँ उनके पूरे एक्सपेक्टेशंस पे। एंड फाइनली आई डिसाइडेड टू जॉइन
फिटनेस एंड एक्चुअली ज्वाइन द फिटनेस इंडस्ट्री. मेरे ऊपर इतना ज़्यादा प्रेशर था कि मैंने ये चीज़ बताने के लिए मेरी माँ को पता था, लेकिन क्योंकि एक ही दुनिया में एक ही ऐसा होता है कि पर्सन होता है जो हमारी माँ रहती है, उनको सब पता रहता है. मैं उनसे कभी भी कुछ नहीं छुपाया, तो उनको पता था कि मुझे ये करना है. एंड फाइनली आई स्टार्टेड वर्किंग एज अ पर्सनल ट्रेनर इन जिम. अभी प्रॉब्लम ऐसा है कि मैं बता ही नहीं पा रहा था. वो जो एक स्टेप रहता है ना, जहाँ पे आपको पता है कि आपको कभी ना कभी तो जाके बात करनी है आपके डैड से, लेकिन वो एक टॉपिक को मैं इतना खींच रहा था, मैं जस्ट अवॉइड कर रहा था उस टॉपिक को. सो जैसे मेरा पहला दिन बीत चुका एज अ पर्सनल ट्रेनर ऑन द फ्लोर, मैंने नहीं बताया. दूसरा दिन बीत चुका, मैं सोचा था कि मैं जाऊंगा, बात करूंगा डैड से, मैं मैन टू मैन कॉन्वर्सेशन करूंगा, फाइनली आई वांट टू डू दिस वगैरह वगैरह, वो नहीं हुआ. इतना स्ट्रेस बढ़ चुका था कि मैंने 3 महीने तक इसके बारे में बात ही नहीं की. तो मेरे डैड को क्या लगता था कि मैं सुबह को उठता हूँ, नहाता हूँ और मैं कॉलेज जाता हूँ लाइब्रेरी में पढ़ाई करने के लिए, और फिर 4 या 5 बजे के घर पे आता हूँ. लेकिन मैं क्या कर रहा था, मैं 6 बजे सुबह को उठ के फ्लोर पे जाके लोगों को ट्रेनिंग देता था, लोगों को ट्रेन करता था. एंड स्लोली एंड स्टडीली आई स्टार्टेड गेनिंग दैट कॉन्फिडेंस कि भाई मैं इसमें कुछ कर सकता हूँ यार. एंड सडनली आपको एक रिस्पेक्ट मिलने लगता है क्योंकि आपको नॉलेज है इस फील्ड में. तो मुझे यहाँ पे बहुत कंफर्टेबल फील हो रहा था, और 3 महीने तक मेरे डैड को पता नहीं चला कि मैं क्या कर रहा हूँ. मेरी माँ को पता था, लेकिन मेरे डैड को पता नहीं था. एक वो जो बोलते हैं ना कि हल्की हल्की रिस्पेक्ट जो हमारे फादर के साथ हमें आती है, वो ये थी कि उनको कभी भी इतना इंटरेस्ट नहीं था कि मैं क्या कर रहा हूँ, लेकिन जब भी उनको इंटरेस्ट आने लगा, उनको एक सवाल हमेशा मन में आता था कि यार ये इतना इररेगुलर है कि कभी भी इतना कंसिस्टेंटली कॉलेज जा ही नहीं सकता. और मैं यहाँ पे पूरा पैशनेट फॉर फिटनेस इंडस्ट्री, मैं हर दिन उठता था, मैं हर दिन टाइम पे उठता था, 6 बजे मैं फ्लोर पे रहता था, इसलिए मैं 5 या समटाइम्स 4:30 को उठ जाता था, और उसके बाद मैं नहा धो के सब कुछ तैयार होके खुद का बैग वगैरह लेके निकल जाता था. सो ही वॉज़ वेरी शॉक्ड, एंड ऑल्सो उनको डाउट आने लगा था कि ऐसे कैसे हो सकता है, ये इतना सीरियस कैसे हो सकता है. एंड वन फाइन डे He followed me back. मतलब उन्होंने मुझे जाने दिया, और कुछ 1 घंटे के बाद वो, उनको कहाँ से तो पता चला होगा कि मैं जिम वर्कआउट करने जाता हूँ. मैंने उनको वही बोला था कि 2 घंटे के मैं वर्कआउट करने जाऊँगा, फिर वर्कआउट करने के बाद मैं वहीं पे मैं नहाता हूँ, और उसके बाद मैं कॉलेज के लिए जाता हूँ. तो वो देखने आ गए कि एक्चुअली ये जिम जाता है या नहीं जाता है. तो वो मेरे जिम में आए, और वो देख रहे थे कि कहाँ है मेरा लड़का, कहाँ वर्कआउट कर रहा है, और वो उन्हें मैं दिखाई नहीं दिया. तो वो अंदर आए जिम में, और फिर उन्हें एक कोने में मैं दिखाई दिया with the black uniform of personal trainer, and I was training people. मेरे पैर ही नहीं हिल रहे थे उनके पास जाने के लिए. And he was standing in the lobby area, like बीच में जहाँ पे reception होता है. मेरे floor supervisor मेरे पास आए, बोले कि तुम्हारे dad आए हैं. बेटी, आपके father आए हैं. और मुझे पता हो के भी मैं ऐसे कर, हैं मेरे पिताजी, नहीं नहीं वो नहीं हो सकते. अंदर से कह रहा, मेरे डैड जी क्यों आएंगे. एंड देन उसके पीछे डायरेक्टली मैनेजर आए. मैनेजर बोले कि जी सर, आपके डैड आए, जाइए मिल के आइए. आ गए. उन दोनों को पता नहीं था कि मैंने बाप को बताया नहीं है मेरे कि मैं वर्कआउट लेता हूँ और मैं ट्रेनर बन चुका हूँ. 15 सेकेंड्स टू 20 सेकेंड्स आई वॉज जस्ट लुकिंग, मतलब मैं
मैं रुक गया था और मैं नीचे देख रहा था एंड देन 15 सेकेंड्स ही वॉज जस्ट लाइक दिस. 15 सेकेंड्स के बाद ही वेंट होम और सब लोगों को जिम में पता चल गया कि ये बंदे ने अपने फैमिली से छुपा के ये फील्ड चूज किया है. अभी उसके ऊपर डिस्कशंस, दिन भर डिस्कशंस होने लगे. मैं दिन भर यही सोचते रहा कि अभी घर जाके जो पिटाई होने वाली, जो कुटाई होने वाली है ना भाई मेरे को, मतलब डैड कभी कभी पट्टा लेके हाथ में नज़र आ रहे थे, कभी कभी लग रहा था कि भाई घर पे जाके सामान पैक करने वाला चीज़ होने वाला है, और बीच बीच में ऐसा ही लगता कि जाऊँ ही नहीं घर पे. मैं पैनिक सिचुएशन में 2-3 बंदों को, मेरे फ्रेंड्स को फ़ोन भी कर दिया कि देखो आज तो भाई तुम्हें तुम्हारे फ्रेंडशिप के लिए जगना है, आज तुम तुम्हारी भाई भाई बड़प्पन तुम दिखाओ तुम्हारा, और तुम्हारा भाईचारा दिखाओ, और प्लीज़ मेरे को आज के दिन तुम्हारे घर पे रहने के लिए पड़ेगा, क्योंकि मैं तो नहीं ये फेस कर सकता कि कब मैं घर पे जाऊंगा और मेरे डैड को देखूंगा. दिन ख़त्म हो गया. शाम को मीरा वॉज माई गर्लफ्रेंड एट दैट टाइम. सो मीरा को मैं 4-5 बजे मिलता था जब जिम ख़त्म हो जाता था. 5 बजे मीरा आई, मैंने मीरा को बताया कि ये सब हो गया है. वो मेरे से भी ज़्यादा पैनिक हो गई. वो तो प्रॉपर, मतलब मुझे तो पता था कि वो भी रोने लगने वाली है, और मैं तो मतलब वैसे भी सुन था, मतलब क्या करूँगा भाई अभी मैं. एंड आई डोंट नो उसके, मतलब इतना याद नहीं कि हमारा बीच में कॉन्वर्सेशन क्या हुआ, लेकिन पहली बार हम एक दूसरे को मिले थे, लेकिन कुछ भी बात नहीं की. मीरा ने भी कुछ नहीं बात की मेरे से, मैं भी शांत था. रात के 9 बज के मैं इतनी देर तक बाहर कभी भी नहीं रुका था, लेकिन मेरे फ्रेंड्स को मैं घर ही नहीं जाने दे रहा था. मैं बोल रहा था कि यार 5-10 मिनट रुको यार, और मेरे फ्रेंड्स बोल रहे थे कि यार घर से फ़ोन आ रहा है अभी हमें निकलना पड़ेगा. 9 बज गए, माँ के भी फ़ोन आने लगे, मैंने फ़ोन नहीं उठाया. फिर 1 घंटा मैं रास्ते पे बैठ के सिर्फ सोचने लगा कि क्या करूँगा. बोल भांडा सब कुछ फूट गया, अब क्या करेगा. तकरीबन 1-5 फ़ोन के बाद, माँ के फ़ोन के बाद फ़ोन बजा, और वो डैड का था. मेरी इतनी फट गई उस टाइम पे, क्योंकि डैड कभी भी कॉल नहीं करते थे, कभी भी नहीं. अगर मैं कॉल करने वाला हूँ डैड को, तो सिर्फ वो माँ ने पूछा है कि खाने के लिए क्या बनाना है, उसलिए फ़ोन करता था. बाकी के लिए तो मुझे पता ही नहीं. डैड का फ़ोन इनकमिंग देखना, ये मेरे लिए लाइफ का पहला मौका था. मतलब पहला देख रहा था, पहली बार देख रहा था मैं. मतलब आपको इससे फ़र्क पड़ता है कि मैं क्या करना चाहता हूँ? सो मैं तो ऐसे कुछ पूछ नहीं सकता था ऑफकोर्स. तो मैंने बोला कि मुझे पर्सनल ट्रेनिंग में इंटरेस्ट है, मैं फिटनेस ट्रेनर बनना चाहता हूँ, फिटनेस में मुझे मेरा ध्यान लगता है ज़्यादा. और फिर इतने पैसे भरे, लोन निकाला है घर में, माँ ने इतने दिन से कुछ लिया नहीं है खुद के लिए, एक साड़ी नहीं खरीद पाई खुद के लिए, तो ये सब कुछ का क्या. फिर अगर लॉजिकल डिस्कशन हो रहा है तो मैं बोलने लग गया. मैंने बोला कि मुझे नहीं पता, मेरे से गलती हो गई कि मैंने ये फील्ड चूज़ किया, मैं भी प्रेशर में था, और मुझे सिर्फ 1 साल का चांस दीजिए, मैं कुछ ना कुछ करूँगा, लेकिन जितने भी पैसे हमारे वेस्ट हुए हैं मैं फिर से कमा के दे दूँगा, मैं अच्छा करूँगा. सब कुछ गिड़गिड़ाने लग गया, मैं रोने लग गया, मेरी माँ अंदर से रो रही थी. कुछ भी आवाज़ ऊंचा नीचा कुछ भी नहीं चल रहा था, सिर्फ कॉन्वर्सेशन हो रहा था, लेकिन मैं बहुत रो रहा था, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम मैं मेरे डैड से बात कर रहा था, और फर्स्ट टाइम मुझे डैड ने कुछ क्वेश्चंस पूछे, वो लाइफ के ऊपर थे, और शायद उस टाइम पे मैंने उनको दिखा होगा कि यार बोल तो सही रहा है शायद. तो उन्होंने मुझसे एक प्रॉमिस ले लिया कि कुछ भी हो जाए एजुकेशन नहीं छूटना चाहिए, तुम्हें डिग्री तो लेनी ही पड़ेगी. मैंने बोला ठीक है, मैं डिग्री ले लूँगा. और
उसके बाद उन्होंने और एक सवाल किया कि तुम ऐसे जिम में जाके वेट उठाओगे और एक से लेके दस तक काउंट करने से तुम्हारा करियर होगा, ऐसे तुम्हें लगता है? दूसरी चीज़ कि अभी तुम्हारी बॉडी नहीं है, देखो तुम्हारी तरफ, क्या हो तुम, वगैरह वगैरह, कैसे कर पाओगे और कितनी देर तक कर पाओगे, और जब बॉडी चली जाएगी तब क्या करोगे, तुम्हारे लिए कोई पर्सनल ट्रेनिंग लेगा तुम्हारी, तुम किस एंगल से कोच लगते हो? मैंने बोला कि देखो अभी का ज़माना चेंज हो गया है, सिर्फ बॉडी से नहीं, नॉलेज से भी लोग वैल्यू करते हैं पर्सन को, तो शायद मैं वैसे कर लूँगा अच्छे से। तो ये सब कुछ डिस्कशन हो गया। वो डिस्कशन होते वक्त मुझे पहली बार बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट आ गया था डैड के बारे में, क्योंकि एक तो चीज़ ये थी कि उन्होंने मुझे ऐसा क्वेश्चन पूछा जो क्वेश्चन में बहुत एटलीस्ट 2 साल से इसके इंतज़ार में था कि कोई पूछे यार आके मुझे क्या करना है। भाई कुछ भी नहीं पूछ रहा था, जो कोई भी आए वो एक्सपेक्टेशन डाल रहा था मेरे ऊपर और मैं ले रहा था, मैं डाल रहे थे मैं ले रहा था। पहली बार लाइफ में ऐसा लग रहा था कि आज चैन की नींद सोऊंगा मैं। मुझे नहीं पता अगर नींद में भी मार पड़ जाए तो ठीक है, लेकिन भाई कॉन्वर्सेशन तो बहुत अच्छा हुआ है, मैंने जो बताना था वो बता दिया है, और पहली बार खुद के लिए भी अच्छा लग रहा था कि फाइनली आई एम एबल टू टॉक टू माई डैड अबाउट वॉट आई रियली वॉन्ट टू बिकम। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, आज मैं जो कुछ भी आपके सामने हूँ, उस टाइम पे मुझे ऐसा लगता है कि मेरे डैड ने अगर मुझे नहीं समझा होता, अगर मेरे डैड ने वो क्वेश्चन नहीं पूछा होता, तो शायद मैं उस दिन भी गिवअप कर लेता, क्योंकि अगर डैड बोलते कि कल से जिम बंद और तुम वहाँ पे नहीं जाओगे तो मैं आपके सामने नहीं होता, मैं जो कुछ भी उन्हें चाहिए था वो कर लेता। सो द मॉरल ऑफ द स्टोरी, ऐसा कुछ भी मॉरल नहीं है इसमें से, सिर्फ आपको 2 चीज़ें समझनी है। आपके ज़िंदगी में ये 2 लोग हैं जो आपके वेल विशर्स हैं। अगर ये आपके वेल विशर्स हैं ऐसा आप मानते हो, तो उनके साथ फ्रिक्शन बढ़ना तभी हो सकता है जब भी आप उनके साथ आपको जो लगता है वो शेयर नहीं कर पा रहे हो। अगर वो शेयर करने में आपको थोड़ा सा डाउट लग रहा है या आप कुछ प्रीजुडिस रख रहे हो कि नहीं उनको नहीं समझ में आएगा, वो क्या समझेंगे मेरे बारे में, जस्ट डोंट डू दैट, हैव फुल कॉन्वर्सेशन विद देम एंड देयर इज अ चांस दैट यू विल एंड अप डूइंग समथिंग विच यू रियली लव इट, लाइक दैट इज नॉट अ हार्ड वर्क फॉर यू एवरी डे, इट्स जस्ट a beautiful journey towards your progress, towards your success. That's it. Second point, सिर्फ इन दोनों को छोड़ के, आपकी माँ और आपके पिताजी, इन दोनों लोगों को छोड़ के बाकी की फैमिली, उनका क्या सोचना है आपके बारे में, क्या उनके एक्सपेक्टेशंस है, प्लीज मत उसके बारे में बिल्कुल सोचो भी मत, क्योंकि ना ये आपको आपके कुछ मदद करने वाले हैं, ना आपको ये खिलाते हैं, ना आपके लिए वो कुछ भी कष्ट लिए हैं। जिन लोगों ने आपके लिए पूरी लाइफ टाइम तक कष्ट लिए, उनको सिर्फ संभालो, उनको सिर्फ बताओ आपके प्लान्स क्या है, एंड जस्ट बी वरीड अबाउट देम। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।